मैं करूंगा। कराओ, चुप कर जाओ, ये सोच सोच के हम कहीं मर ही ना जाएंगे। फाइनली दोस्तों, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपना पहला हफ्ता धमाकेदार अंदाज में निकालने के बाद लियो आज अपने दूसरे हफ्ते में एंट्री मार रही है। लेकिन दोस्तों, इस हफ्ते इस फिल्म को 2 से 3 बड़ी फिल्मों से कंपटीशन मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, क्या इन फिल्मों से मिल रहे कंपटीशन के बावजूद भी ये फिल्म तमिल सिनेमा की नंबर 1 फिल्म बनने वाली है या नहीं, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। बात करने वाले हैं यहाँ पर फिल्म गणपत और दोस्तों रवि तेजा के टाइगर नागेश्वर राव के फर्स्ट वीक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, कंगना रनौत की फिल्म तेजस के एडवांस बुकिंग कलेक्शंस के बारे में जिसे कि आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज कर दिया गया है। साथ ही साथ जानेंगे सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग कब शुरू होने वाली है, यह फिल्म कितने घंटे की होगी और बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल कर सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी इन फिल्मों का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे, बॉक्स ऑफिस, बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स चाहते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं फिल्म गणपत के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसके लीड में आपको टाइगर श्रॉफ, कृति सेनन और अमिताभ बच्चन सर नजर आए हैं। डायरेक्शन क्या है इस फिल्म का, विकास बहल ने। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणपत एक साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पिछले हफ्ते ही रिलीज किया गया था, जिसे की लगभग 2200 से 2500 स्क्रीन ऑल ओवर इंडिया में दी गई थी। और इन 2200 से 2500 स्क्रीन पर इस फिल्म ने जहां अपने पहले दिन मात्र 2,50,00,000 रुपए की ही ओपनिंग पाए, वही दोस्तों अपने दूसरे और तीसरे दिन के कलेक्शंस में भी इस फिल्म के कुछ खास ग्रोथ नहीं देखने को मिली। दशहरे के मौके पर रिलीज होने के बावजूद भी दोस्तों इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाई नहीं करी और यही वजह है कि इस फिल्म के 3 दिनों के कलेक्शंस मात्र इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ रुपए के रहे। ऑडियंस की तरफ से दोस्तों रिव्यूज भी अच्छे नहीं मिले थे, साथ ही साथ दोस्तों क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को रेटिंग्स बुरी दी थी। यही वजह है कि विगड़ेस में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास होल्ड नहीं किया और जहां अपने 4थे दिन 1,30,00,000, 5वें दिन 1,50,00,000 और 6ठे दिन 1,10,00,000 रुपए की कमाई करने में कामयाब रही। तो वही दोस्तों, कल इस फिल्म के कलेक्शंस मात्र 1 करोड़ के रहे हैं, जिससे कि यह फिल्म 12 करोड़ रुपए की ही कमाई इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर कर पाई है। आज के कलेक्शंस भी दोस्तों इस फिल्म के लगभग 60 से 70 लाख रुपए के आ रहे हैं, जिससे कि यह फिल्म 12 करोड़ 70 लाख रुपए के आंकड़े को पार कर पाई होगी। दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म 20 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है। दोस्तों बता दें आपको कि गणपत बॉक्स ऑफिस पर एक बड़े डिजास्टर साबित हो चुकी है। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर अब दूसरी फिल्म, तो दोस्तों टाइगर नागेश्वर राव जिसकी लीड में आपको तेलुगु सिनेमा के मास महाराजा रवि तेजा, नूपुर सेनन और अनुपम खेर नजर आए हैं। इस फिल्म का डायरेक्शन किया है दोस्तों वामसी ने, जो कि एक बायोग्राफिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से इंडिया की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया था। दोस्तों बताते चले आपको कि टाइगर नागेश्वर राव लगभग 60 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पिछले ही हफ्ते हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज किया गया। हालांकि दोस्तों इस फिल्म को हिंदी और तेलुगु में तो अच्छी स्क्रिप्ट मिली थी, तमिल में दोस्तों लियो से मिल रहे कंपटीशन के बावजूद इस फिल्म को स्क्रिप्ट नहीं मिल पाई। बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इस फिल्म को भी अपने पहले दिन तो जहां 12 करोड़ रुपए से बड़ी ओपनिंग दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर मिली, लेकिन दोस्तों ऑडियंस की तरफ से मिलने वाले मिक्स टू पॉजिटिव रिव्यूज की वजह से इस फिल्म के भी जो कलेक्शन है वो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। 3 दिनों में दोस्तों इस फिल्म ने इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 16 करोड़ रुपए कमा लिए थे। अपने 4थे दिन भी ये फिल्म 4 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही, लेकिन दोस्तों अपने 5वें दिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा होल्ड किया और कमाए 5,35,00,000 रुपए। 6ठे दिन 3 करोड़ और अपने 7वें दिन 2,30,00,000 रुपए की कमाई के साथ ही ये फिल्म 30 करोड़ रुपए के आंकड़े को आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पार कर चुकी है, जबकि दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो चुका है। दोस्तों टाइगर नागेश्वर राव का जो ब्रेक इवन कलेक्शन होगा वो लगभग 80 करोड़ रुपए का होगा और दोस्तों अभी तक ये फिल्म 50 करोड़ की ही कमाई कर पाई है। आज के कलेक्शंस की बात की जाए तो दोस्तों ये फिल्म आज भी बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2.5 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करती हुई नजर आ रही है, जिससे कि इस फिल्म का टोटल 32,50,00,000 रुपए का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर और लगभग 54 करोड़ रुपए का दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर हो चुका होगा। ये फिल्म दोस्तों अगर इसी तरह से कमाई करती रही तो बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हो सकती है और दोस्तों अगर इस फिल्म को इस हफ्ते ऑडियंस की तरफ से अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला तो ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित होगी। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर अब तीसरी फिल्म,
तो दोस्तों थैलापैथी विजय की फिल्म लियो जो कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल रिलीज होने वाली सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन चुकी है और दोस्तों इस फिल्म ने तमिल सिनेमा के सभी रिकॉर्ड्स को अपने नाम कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि लोकेश कनगराज के डायरेक्शन में बनने वाली लियो, जिसके लीड में आपको थैलापैथी विजय, संजय दत्त, अर्जुन सरजा और ब्यूटीफुल त्रिशा कृष्ण नजर आने वाली है। लगभग 150 से 180 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली लियो ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां अपने पहले दिन तो हिस्टोरिकल ओपनिंग ली और इस साल रिलीज होने वाली तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग लियो के नाम रही, जिसने कि इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 65 करोड़ और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन ओपनिंग लेने वाली फिल्म बनी, जहां पर इस फिल्म ने 148 करोड़ 50 लाख रुपए की ओपनिंग ली है। इस फिल्म ने दोस्तों जवान, पठान सभी के रिकॉर्ड्स को तोड़कर यह दिखा दिया कि तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थैलापैथी विजय इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार है। अपने दूसरे और तीसरे दिन के कलेक्शंस के साथ ही दोस्तों यह फिल्म 300 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हो चुकी थी। अपने चौथे, पांचवें और छठे दिन के कलेक्शंस के साथ ही दोस्तों इस फिल्म ने 450 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर दिया था। वहीं दोस्तों कल अपने सातवें दिन के कलेक्शंस के साथ ही यह फिल्म 500 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर चुकी थी। अगर बात की जाए अभी तक के टोटल की, तो दोस्तों अपने शुरुआती 6 दिनों में 506 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी लियो ने अपने सातवें दिन भी 25 करोड़ रुपए कमाए थे। तो वहीं दोस्तों कल अपने आठवें दिन इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो ऑल ओवर इंडिया से जहां 13 करोड़ रुपए के रहे, तो वहीं दोस्तों ओवरसीज को मिलाकर ये फिल्म 18 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही। इसी के साथ इस फिल्म का जो टोटल है वो 550 करोड़ रुपए के आंकड़े को शामिल हो चुका था। आज के कलेक्शंस की बात की जाए तो दोस्तों इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ी फिल्म तो रिलीज नहीं हुई है। यही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म आज भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां एक बार फिर से डबल डिजिट के आंकड़े को पार करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर लगभग 15 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली है। ऐसे में इस फिल्म का जो टोटल है वो 565 करोड़ रुपए का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस और दुनिया भर में हो चुका होगा। जल्द ही दोस्तों ये फिल्म 600 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल होने वाली इंडियन सिनेमा की एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बनने वाली है। बात की जाए दोस्तों यहां पर अब अगली फिल्म, तो दोस्तों तेजस जैसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज ही रिलीज किया गया है। इस फिल्म के लीड में दोस्तों आपको नजर आने वाली है बॉलीवुड की लेडी सुपरस्टार कंगना रनौत और दोस्तों इस फिल्म का डायरेक्शन करने वाले हैं सर्वेश मेवाड़ा। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि तेजस जो कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म में आपको कंगना रनौत तेजस के कैरेक्टर में नजर आने वाली है और दोस्तों इस फिल्म में उनका एक्शन भी दमदार होने वाला है। अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म के एडवांस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि तेजस की जो एडवांस है उसे 2 दिन पहले शुरू किया गया था। हालांकि दोस्तों इस फिल्म के मेकर्स ने कुछ ज्यादा प्रमोशन तो नहीं किया। लेकिन बावजूद इसके दोस्तों कंगना रनौत की इस फिल्म ने 35 लाख रुपए की एडवांस लेने में कामयाब रही थी, जो कि एक तरह से एक बढ़िया ओपनिंग है एक फीमेल ओरिएंटेड फिल्म के लिए। अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों ऑडियंस की तरफ से अगर इस फिल्म को आज अच्छे रिव्यूज मिलते हैं तो ये फिल्म आज अपने पहले दिन लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए की ओपनिंग आसानी से ले सकती है और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट की रिकवरी अपने पहले ही हफ्ते में कर सकती है। आपको दोस्तों इस फिल्म का इंतजार है या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बात की जाए दोस्तों यहां पर आप सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 के बारे में, जो कि दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल रिलीज होने वाली बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म है और इस फिल्म का दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शंस भी है वो भी रिकॉर्ड आने वाला है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मनीष शर्मा के डायरेक्शन में बनने वाली टाइगर 3 जो कि स्पाई यूनिवर्स की सबसे महंगी और सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है, इस फिल्म के लीड में दोस्तों आपको बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस किंग और भाईजान सलमान खान, कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी नजर आने वाले हैं। कैमियो के तौर पर दोस्तों इस फिल्म में आपको शाहरुख खान और हो सकता है कि जूनियर NTR भी देखने को मिले। दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल दिवाली के मौके पर यानी कि 12 नवंबर को रिलीज होने वाली है, जिसे कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज किया जाना है। कल ही दोस्तों इस फिल्म का जो रन टाइम है उसे लेकर एक बड़ी अपडेट आई है कि ये फिल्म 2 घंटे 35 मिनट की होगी, जिसकी एडवांस बुकिंग को 5 नवंबर से शुरू किया जाएगा, यानी कि दोस्तों अपने रिलीज से एक हफ्ते पहले इस फिल्म की जो एडवांस है उसे शुरू किया जाएगा। अगर दोस्तों इस फिल्म की एडवांस को ऑडियंस की तरफ से अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है तो ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी एडवांस लेने वाली फिल्म भी बनेगी और लगभग 100 करोड़ रुपए की तो सिर्फ एडवांस ही हासिल कर लेगी। वहीं दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म अपने पहले ही दिन लगभग 150 करोड़
रुपए की ओपनिंग लेने वाली बॉलीवुड के नंबर वन ओपनर बनने वाली है। दोस्तों सलमान खान की इस फिल्म का इंतजार तो ऑडियंस को काफी बेसब्री से है। अब देखना यही है दोस्तों कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल कर पाती है। आपको दोस्तों इस फिल्म का इंतजार है या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।